हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्रसाद की रेसिपी शेयर करती हूँ, और वो भी घर के इंग्रेडिएंट्स में, जो भी है कम इंग्रेडिएंट्स में आज हम प्रसाद बनाएंगे। ये है शाही पनीर मोदक। तो फ्रेंड्स, चलिए शाही पनीर मोदक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक पैन लिया है, और ये पैन को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम मैंने बंद कर ली है। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। पूरे पैन में घी से ग्रीस कर लेना है। इसमें सिर्फ आधी टीस्पून जितना ही घी जाता है। तो ये पूरा अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके बाद क्या करते हैं, एक कप जितना ग्रेटेड पनीर लेते हैं। ये पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है, और पनीर आपको मार्केट में भी आराम से मिल जाएगा, और घर में भी आप अच्छे से बना सकते हो। तो ये एक कप जितना ग्रेटेड पनीर ये पैन के अंदर हम डाल देते हैं। घी ग्रीस करने से फ्रेंड्स, पनीर अच्छे से चिपकेगा नहीं नीचे, और जलेगा भी नहीं। और अभी गैस की फ्लेम टोटली बंद है। तो ये पनीर ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा मीठा बनाने के लिए यहाँ पे एक 1.5 टेबलस्पून जितना पाउडर शुगर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चीनी कम ली है, क्योंकि हम आगे मिल्क पाउडर यूज़ करने वाले हैं, और मिल्क पाउडर में टोटली ऐसे ही मिठास होती है। और ये मिक्स करने के बाद पनीर और पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अभी और सब इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैन गर्म है, इसके लिए थोड़ा मेल्ट भी हो रहा है अच्छे से। और आगे क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो एक कटोरी हमने पनीर लिया था, वही कटोरी से आधी कटोरी भर के यहाँ पे ये मिल्क पाउडर लिया है। देख, आप देख सकते हो आधी कटोरी मैंने मिल्क पाउडर भर लिया है। तो ये मिल्क पाउडर इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। और इसी के साथ हम ये काजू पाउडर है, काजू पाउडर यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा या कम कर सकते हो। काजू पाउडर जो कैश्यू आती है ना, उसको मैंने पीस लिया था, और 3 पिस्ताचियों को मैंने बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं। इसके साथ 3 चम्मच जितना यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करते हैं। ये दूध में चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये दूध हम 3 चम्मच जितना ऐड कर लेते हैं। अभी गैस की फ्लेम चालू कर लेते हैं, और अच्छे से एकदम धीमी आंच पे हमें ये सेकना है। सेकना है मतलब पैन छोड़ दे तब तक, जो बाइंडिंग आता है तब तक हमें इसको चलाते रहना है। थोड़ा भी रुकना नहीं है, नहीं तो पनीर है और मिल्क पाउडर है, नहीं तो फिर नीचे लग जाएगा, तो फिर टेस्ट इसका खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अच्छे से, देखो मेल्ट हो रहा है। हमने इसमें पाउडर शुगर और फिर मिल्क पाउडर और पनीर वो सब ऐड किया है, तो सब एक जैसा हो जाए, एकदम डो जैसा बन जाए, वैसे हमें कर लेना है। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमारा ये मोदक का स्टफिंग बन रहा है। फ्रेंड्स, ये शाही मोदक खाने में तो बहुत टेस्टी है, और घर के इंग्रेडिएंट से बन जाता है। इसके अंदर ना कोई एसेंस है, ना प्रिजर्वेटिव है, ना कोई कलर है, लेकिन बहुत अच्छा ये मोदक बनते हैं। आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये मोदक बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से देखो, ये पैन में से ये छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी और भी थोड़ा पका लेते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें गाढ़ा चाहिए, एकदम टाइट बाइंडिंग चाहिए इसके लिए। ऐसे जैसे डो बनाते हैं ना, वैसे डो जैसा बन जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ये हमारा ये मोदक का मिक्सर बन गया है। अभी गैस की फ्लेम इस स्टेज पे मैंने बंद कर ली है, क्योंकि अभी पैन भी गर्म है, तो भी हमें चलाते रहना है, क्योंकि लग ना जाए नीचे से, क्योंकि गर्म गर्म पैन में तो लगेगा ही लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा चलाते ही रहते हैं। और ये हमारा मोदक का ये मिक्सर बनकर रेडी हो गया है। अभी इसको हमें ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक हमें ठंडा करना है। ये मिक्सर को फ्रीज में नहीं रखना है फ्रेंड्स, और फिर रूम टेम्परेचर पर आ जाए बाद में इसको प्लेट में निकाल देते हैं। ये प्लेट में निकालने के बाद अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच की मदद से पहले तोड़ लेते हैं, फिर हाथों से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। हाथों से अच्छे से ऐसे मसल देना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये शाही मोदक हमारे बन जाएंगे, ऐसा मिक्सर बन गया है। अभी क्या करते हैं, मार्केट में मोदक का मोल्ड मिलता है फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास ये मोदक का मोल्ड है, ये बड़ा मोदक का मोल्ड है।
आप छोटे मोदक का मोल्ड भी ला सकते हो। ये मोदक मोल्ड को हमें घी से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद इसको थोड़ा डेकोरेटिव करते हैं। डेकोरेटिव में क्या करते हैं, प्रसाद में वैसे तुलसी पत्ता तो हम रखते ही हैं और गुलाब की पंखड़ियाँ, तो गुलाब की पंखड़ियाँ थोड़ी एक एक दो लगा देते हैं और एक साइड हम तुलसी पत्ता लगा देते हैं वैसे ही, और ये पिस्ताचियो है उसके भी थोड़े थोड़े पीसीस एक एक लगा देते हैं। और ये लगाने के बाद फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पनीर शाही मोदक का जो हमारा मिक्सर है वो इसके अंदर हम भर लेते हैं। पहले एक साइड भर लेते हैं और एंड तक भर लेना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से एंड तक भरना है, और दूसरी साइड भी ऐसे भर लेते हैं। और अच्छे से भरने के बाद मोदक मोल्ड बंद कर लेते हैं और बीच में जो स्पेस रह गई है इसके अंदर भी हम भर लेते हैं, पनीर मोदक का मिक्सचर अच्छे से भर लेते हैं और फिर अंगूठा की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। एकदम टाइट प्रेस करना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से प्रेस करके मैंने रेडी कर लिया है। अभी ये मोदक को हमें अनमोल्ड करना है फ्रेंड्स। ये लॉक सिस्टम है ना, वहां से खोल के हम अनमोल्ड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे शाही मोदक ये बनकर रेडी हो गया है। एक देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से एक तरफ गुलाब की पंखड़िया, एक तरफ तुलसी पत्ता और फिर पिस्ताचियो, बहुत अच्छा ये हमारा शाही पनीर मोदक बन गया है। अभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, कभी कभार क्या है किसी के पास मोल्ड नहीं होता है तो विथाउट मोल्ड भी हम मोदक बना लेंगे हाथों से। ऐसे मोल्ड कभी कभार किसी के घर नहीं भी होता है अवेलेबल, तो हाथों से कैसे करता है, थोड़ा मोल्ड का मिक्सर लेते हैं और हाथों से थोड़ा ऐसा लंबा एक गोल बना लेते हैं और फिर ऐसे गोल गोल घुमा के नीचे इसकी एकदम बैठक जैसा बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही और ऊपर टॉप जैसा बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मोदक का शेप आ गया ना, मोल्ड की भी जरूरत नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं। आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, और इसको भी साइड पे तुलसी पत्ता और दूसरी साइड भी तुलसी पत्ता लगा देते हैं और फिर गुलाब की पंखड़ी लगा देते हैं एक साइड ऐसे, और फिर डिजाइन देना है तो फिर क्या करोगे। डिजाइन देने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास घर में कोई भी स्टिक हो या फिर बारबेक्यू वाली कोई भी रॉड हो तो भी चलती है। तो ये हमारा शेप तो बहुत अच्छा बन गया, अभी इसको डिजाइन दे देते हैं, और ये ऑप्शनल है डिजाइन देना। वैसे ही देखो आप एक अच्छे से ये मोदक का शेप तो आ गया है। अभी ये रॉड से मैं देखो ऐसे डिजाइन कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा डीपली ऐसे प्रेस करना है, ऐसे करके नीचे से लेके ऊपर, नीचे से लेके ऊपर, और विथाउट मोल्ड भी हमारा ये मोदक अच्छे से बन गया है। आप देख सकते हो, देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये मोदक बन गया विथाउट मोल्ड में फ्रेंड्स। अभी मैं आपको मोल्ड वाला भी दिखा देती हूँ और विथाउट मोल्ड का, आप दोनों में आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए ये मोल्ड वाला और ये विथाउट मोल्ड, दोनों मोदक, दोनों टाइप के मोदक बनकर रेडी है। ऐसे ही मैंने ये सब मोदक बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये शाही पनीर मोदक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, ये गणपति बापा के लिए ये प्रसाद बहुत ही टेस्टी तो है और घर के इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रसाद आप ज़रूर घर पे बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और इस गणपति में आपने कौन से मोदक बनाए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, मुझे पता चले कि कैसे कैसे मोदक बार बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गणपति बापा।